जो दर्शकों का उत्साह मैंने देखा, मैं सोचता था कि खाली कलकत्ता का दर्शक लोग फुटबॉल को प्यार करता है, लेकिन यह रात में सच में हैरान रह गया कि फुटबॉल में इतना दर्शक लोग प्यार कर रहे हैं। कमेटी के अध्यक्ष भाई तेज बहादुर जी मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं, कमेटी के महामंत्री जी गुड्डू शर्मा जी भी स्वागत कर रहे हैं, कमेटी के संरक्षक डॉक्टर फतेह मोहम्मद साहब है आप भी स्वागत कर रहे हैं। साथ में एक हमारे अध्यक्ष की तरफ से भी ट्रॉफी दी जा रही है, एवरग्रीन पब्लिक स्कूल की तरफ से। लीग मैच भी खेल चुके हैं, ईस्ट बंगाल मोहन बंगाल के लिए भी अभिषेक दास खेल चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस उत्तर प्रदेश की धरती पर, मोहम्मदाबाद के शहीदों की धरती पर। तो मैं एक बार पुनः बता दूं, इंडिया के लिए खेलने वाले खिलाड़ी जो भारत के लिए भी खेल चुके हैं, मोहन बगान के लिए भी खेल चुके हैं, ईस्ट बंगाल के लिए भी खेल चुके हैं, ऐसे आज हमारे बीच कोच के रूप में उपस्थित हैं अभिषेक दास का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अपने बीच कुछ पूर्व खिलाड़ी भी हैं, आपके प्लेयर हैं, उनके कुछ खासियत बंगाल टीम भी ग्राउंड में अपने केबिन पास में पहुंच चुकी है। मैं बंगाल की टीम का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। अपने बीच पूर्व खिलाड़ी भाई लाला राय जी, जुल्फिकार रानो जी, रजा हुसैन साहब, फसी अहमद भोलू जी, तसव्वुर रानी साहब, इम्तियाज अहमद जी और इलियास नाई जी, आप सभी साथी लगातार इस मैच को अच्छे से संपन्न होने में वॉलेंटियर साथी जो कार्नर के फ्लैग है उसको लेके और जहाँ जरूरत है वहाँ लगा लें, जो भी वॉलेंटियर साथी उसमें लगे हैं कार्नर फ्लैग को ले लें। आज तीन साथी हमारे बीच बैठे हैं, मैं आप ही लोगों से निवेदन करूंगा खिलाड़ियों का सूची आप लोग बोल दें, उनका नाम बताएं। पहले तो मैं ये सोचा नहीं था कि इतना अच्छा इंतजाम रहेगा, इतना अच्छा ग्राउंड रहेगा, क्राउड रहेगा, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। आंक और बाकी भाई लोग का बहुत धन्यवाद, हम लोग को इधर बुलाया गया है, एक इंटरेस्ट है। हम पता नहीं गेम के बारे में तो हम लोग बोल नहीं सकते कुछ भी, रिजल्ट ऑल इंडिया भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन, और यहाँ पर मौजूद मंच पर समस्त अतिथिगण का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और इस समय अष्ट शहीद इंटर कॉलेज के मैदान पे आज का जो मैच खेला जा रहा है जाएगा वो ईस्टर्न रेलवे चक्रधरपुर झारखंड वर्सेस AD14 कोलकाता पश्चिम बंगाल के मध्य कुछ ही क्षणों में जोरदार रोमांचक मुकाबला आप सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा। 13 साल से 14 साल से प्रोफेशनल फुटबॉल में खेल रहा हूँ, मैं आईएसएल चैंपियन हुआ हूँ और कोलकाता का प्लेयर लिस्ट आ चुका है, जो कि 31 नंबर के जर्सी में है, तन्मय घोष जो कि कैप्टन है 10 नंबर की जर्सी में है, प्रियांशु भुनिया जो कि 30 नंबर की जर्सी में है, इंद्रबल मंडल जो कि 2 नंबर की जर्सी में है, उत्साह पात्रा जो कि 5 नंबर की जर्सी में है, विशाल दास जो कि 11 नंबर की जर्सी में है, नाजिम रहमान जो कि 6 नंबर बुला के और आपसे परिचय करा दें। हम सबके जो इस कार्यक्रम में आ रहे हैं बिहार सरकार में
पीछे सरकार में है यह नेता भी है भाई मनोज राय जी जो अपने क्षेत्र जगह के रहने वाले हैं। बहुत ही अच्छे इंसान है, नौजवान है, ये मेरा होम ग्राउंड है। बीच में सेवा छोड़ के राजनीत करने का आपका मन हुआ है, तो मैं एक बार पुनः सभी दर्शकों का अभिनंदन करूंगा क्योंकि दर्शक हमारे इस खेल की जान है। आपका जो देखिए आज का मैच बहुत ही रोमांचक मैच होने की उम्मीद है। भाई कुश वर्मा जी एक समाजसेवी हैं, अच्छे साथी हैं, लगातार मैच का आनंद ले रहे हैं। संघ परिवार के हमारे जिले के अधिकारी भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत अच्छे लेवल का टूर्नामेंट होना संभव हो पाया और यहाँ के दर्शक भी बड़े शांत हैं और आप मीडिया के माध्यम से लोगों तक खबर पहुँचाने के लिए आपको और हम आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ के अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल टूर्नामेंट का चौथा दिन है। आज चौथे दिन में हमारे बीच पश्चिम बंगाल की कोलकाता की टीम इस अहमदाबाद की शानदार और शहीद इंटर कॉलेज के ग्राउंड में भव्य इंटर कॉलेज के ग्राउंड में उपस्थित हो चुकी है। दूसरी टीम ईस्टर्न रेलवे झारखंड की है। ये दोनों टीमें ग्राउंड में अपना अभ्यास करते हुए दिखाई दे रही हैं। दोनों टीमों को मुकाबले कमेटी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आज का खेल अहमदाबाद के सभी दर्शकों को बहुत ही अच्छे से देखने को मिलेगा, शानदार खेल का अनुभव होगा। तो मैं खिलाड़ियों का पुनः अभिनंदन करते हुए अपने दर्शकों का भी अभिनंदन करूंगा। काम को अपनी दिनचर्या को लगभग इस ग्राउंड और इस खेल को सफल कुर्सी के लिए साथी जो हमारे हैं वो कृपया इस बात का ध्यान दें, हमारे अतिथि आने वाले हैं तो हम लोग अपने अतिथियों का सम्मान भी करेंगे और हम लोगों का ये काम है, ये किसी का निजी कार्यक्रम नहीं है, ये पूरे महत्व का कार्यक्रम है। जो भी दर्शक हैं, पुराने साथी हैं, खिलाड़ी हैं, वो अपना स्थान अपना ले लें और जहाँ जगह मिले वहाँ कृपया अनुशासन तरीके से बैठे और इस कमेटी को अपना पूरा सहयोग प्रदान करें ताकि ये कमेटी आपको राष्ट्रीय स्तर का खेल इंडिया स्तर का खेल आपको दिखाए। आप इस टूर्नामेंट को लेकर अपना सुझाव कमेंट करके बताएं और नेट 7 न्यूज चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके अपने यार परिवार रिश्तेदार में शेयर कर दें ताकि देश दुनिया की और भी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद। नमस्कार, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए।